बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे जी मैंने सुबह से अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। अभी फ़िलहाल नाश्ता चल रहा है मेरे हस्बैंड का, और यहाँ पे हमारी म्याऊँ भी आके बड़े प्यार से बैठी थी इनके पास आके। तो यहाँ पे ना मैं इतने अच्छे से बैठी थी कि मेरा दिल हो रहा था कि मैं इसको बस एक वीडियोस का बनाना चाहिए, कितनी क्यूट लग रही है। और अब तो माशाल्लाह ये लोग थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं, जब आई थी ना तब बहुत छोटी छोटी सी थी, और अब तो थोड़ी थोड़ी सी ना मोटी भी दिख रही हैं, बड़ी भी हो रही हैं। तो जी मैंने यहाँ पे अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। और आज दिन कौन सा है? आज दिन बुध है, वेडनेसडे है। और बस यहाँ से जी हस्बैंड ने नाश्ता वगैरह कर लिया और उसके बाद ये निकल रहे हैं दुकान के लिए। रोज़ की तरह मेरा रोज़ एक ही रूटीन होता है, बस यही है कि रूटीन आप लोगों से शेयर करना है, तो जो रूटीन है सो है। तो बस मैं अपना जो भी दिन भर के काम होते हैं, मेरी जो भी चीज़ मेरी चलती है ना घर में, बस वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे दिन मतलब डेली एक ही एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, तो हम लोगों की लाइफ ऐसी जो होती है, हाउसवाइफ या माएँ जो भी होती हैं वो उनकी सुबह भी ऐसी ही होती है एक जैसी, और शाम भी फिर उसी तरह होती है। बस यही है कि कभी कभार दिन भर में ना कुछ नया हो जाता है, नया जैसे कि कहीं बाहर निकलना हो जाता है किसी काम से, या कोई मेहमान आ जाए आपके यहाँ, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी तो सुबह शाम दोपहर एक जैसी होती है, काम भी हमारे दिन भर के वही होते हैं, नाश्ता लंच और फिर डिनर। तो यहाँ पे जी बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, फिर हस्बैंड भी चले गए, और उसके बाद फिर मैंने रूम वगैरह साफ़ किया, थोड़ी सफाई मैंने हॉल की। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे मुझे भूख लगने लगी थी, तो बस यहाँ पे मैं रात की बिरयानी जो रखी थी ना उसी को गर्म कर रही थी, क्योंकि अब मुझे ना यहाँ पे बिरयानी खाना है जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है बिरयानी। वैसे मुझे नॉनवेज ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सादे खाने से बेहतर ना मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है, लेकिन नॉनवेज में ना मुझे बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पहले ना मुझे पता है बिरयानी नहीं आती थी, मैं सोचती थी अल्लाह लोग बिरयानी कैसे बनाते होंगे, कितनी लेयर चढ़ती है इसमें, कितना मसाला लगता है, कैसे बनाते होंगे, कैसी बनती होगी, कितनी मेहनत लगती है, मतलब मैं इतना सोचती थी इसके बारे में। लेकिन मेरे हस्बैंड की डिमांड पे मैंने बिरयानी बनाना सीखा, उन्होंने कहा था कि बिरयानी बनाना सीखना तुम, तो फिर अब हस्बैंड ने कहा था तो मैंने सीख नहीं था। और फिर ये बिरयानी जो मैंने सीखी थी ना अपनी फ्रेंड की बड़ी बहन से सीखी थी, जो कि वो भी हमारी ना बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, हालांकि वो हमसे बड़ी थी थोड़ी, हम उनको अप्पी बोलते थे, लेकिन वो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, अभी भी हैं, और अल्लाह उनकी उनको बहुत कामयाबी दे, उनको बहुत लंबी उम्र दे, और बहुत अल्लाह ताला उन्हें नेमतों से खुशियों से नवाजे, क्योंकि है ना वो हमारे बहुत करीब हैं। मेरी बहन है मुझसे छोटी एक हीना, और वो और मैं, हम दोनों बहनें ना उनके यहाँ बहुत जाते थे, और वो भी चार बहनें थी, हम भी चार बहनें थे, हम लोगों का ग्रुप होता था, वो चारों होती थी, हम दो बहनें होते थे और हम छः बैठते थे, और खूब बातें होती थी हमारी, खूब मस्ती होती थी। और पढ़ाई के लिए हम लोग जाते थे, लेकिन पढ़ाई कम करते थे और हम लोग बातें ज़्यादा करते थे। वो टाइम ना हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल टाइम था। हारिश अब भी आया है स्कूल से और उसको पैर में चोट लग गई है ना हारिश? क्या हुआ आपको पैर में? कैसी लग गई, किस चीज़ से लग गई, कहाँ मार ली बताओ? कल लगी थी, अब बता रहे हो तुम? चलो ठीक है, बताओ कहाँ पे पट्टी करना है। हारिश को कैसी भी चोट लगी बड़ी या छोटी या नहीं भी लगे तो भी हारिश है ना पट्टी करवाता है, उसको अच्छा लगता है, उसको ऐसा लगता है इसको करवाने से ना राहत मिलती है ना हारिश? बताओ कहाँ पे करूँ बताओ।
आज का बस में चले तो इसको जेब में लेके घूमने लगे, है ना। आज बता कहाँ पट्टी करना है, चोट तो दिखाई नहीं दे रही। मोच है, अच्छा मोच में चलते थोड़ी बनता है। ठीक है, वो भी क्रॉस में लगवाता है, एक ऐसा ये पोजीशन ठीक है ना, ये ठीक रहेगा। सबको बता दो चोट लग जाए तो ऐसे कर लिया कर ताकि दर्द कम हो जाए। तो जी अब बात निकल ही गई है दोस्तों की और बहनों की, तो मेरे ख्याल से बात मेरी पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी ना हमारे कुछ दोस्त ना हमेशा के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। अब उन लोगों की शादी हो चुकी है और हम लोगों से उनका इतना कोई ख़ास मिलना जुलना होता नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मौका मिलता है ना हम ज़रूर मिलते हैं। और बस मिले या ना मिले, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाते हैं, जगह कर जाते हैं। तो आप कभी भी अकेले बैठो या कोई ऐसा मौका आए या कोई ऐसी बात निकल जाती है ना, तो तुरंत उन लोगों की याद आ जाती है। और मैं जब भी अपनी बहन से बात करती हूँ या वो मुझसे बात करती है, और जब भी कभी भी हम इमोशनल होते हैं दोस्ती को लेकर, तो हम लोगों को सिर्फ उन्हीं की याद आती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोगों को ना स्पेशल फील कराया है। तो जाहिर है जहाँ से आपको सच्ची मोहब्बत मिलती है और अपनापन मिलता है, तो फिर वो उसकी अहमियत ही कुछ और होती है। दोस्त तो बहुत आते हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है हमारे स्कूल टाइम से हमारे कॉलेज टाइम तक, और फिर ऐसा नहीं है कि शादी के बाद दोस्ती नहीं होती, हमेशा दोस्त मिलते हैं, निकलते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे दोस्त होते हैं, तो सच्चे दोस्त हर किसी को मिलते नहीं हैं, और अगर मिल जाए ना तो फिर आपको उनकी कदर होना चाहिए। तो बस ये जो मेरी बिरयानी है ना, मुझे उन्हीं ने अप्पी ने सिखाई थी और मैं उनसे सीख भी गई थी। तो मैं जब भी बिरयानी बनाती ना, तो मैं मेरे हस्बैंड से यही बोलती हूँ कि ये ना मेरे को मेरी अप्पी ने सिखाई थी, पता है। तो बस वो मुझे चिढ़ाते हैं कभी कभी कि अरे आई बड़ी अप्पी वाली करके। तो बस जी यहाँ पे बच्चे चले गए कोचिंग, और आज मैंने आपसे कितनी सारी बातें की, हालांकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये वाला टॉपिक निकल जाएगा और ऐसी बातें निकल जाएगी और मैंने ये बातें आपसे करनी आज, लेकिन बस वो बात ही बात में निकल गई बातें बिरयानी को लेके, तो मैंने सोचा कर ही ली जाए इसको कंप्लीट। तो यहाँ पे जी हारिश यहाँ पे मेरी बहुत हेल्प करवा रहा है माशाल्लाह, क्योंकि आज ना मेरी पेट में बहुत दर्द है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, और मैं बार बार बस मेरे मुंह से यही निकल रहा है अल्लाह पेट दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। तो उसने ना बहुत सारा कचरा अभी कमरे में किया था, खेल रहा था वो, तो फिर उसने चुपचाप झाड़ू उठाई और वो कचरा साफ़ करने लगा है, और मैं रोक भी नहीं रही हूँ वैसे उसको, मैं कभी कभी उसको झाड़ू पकड़ा देती हूँ क्योंकि उसको अच्छा भी लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो गंदगी करे तो वो खुद से ही सफाई भी करे। तो इससे ना बच्चों को थोड़ी सी आदत हो जाती है साफ़ सुथरा माहौल रखने की, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अच्छा है झाड़ू लगा रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर इसकी जगह लड़की होती तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़कियों को ये सब सिखाया जाए, तो लड़कों को भी आदत होना चाहिए इन सब चीज़ों की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे जी दाल मैंने पका ली थी, फिर उसमें शक्कर इलायची वगैरह सब डाल दिया, और यहाँ पे मैं उसको घोट रही हूँ ताकि वो एक जैसी हो जाए। अच्छा तो जी यहाँ पे पूरन पोली बनने लगी है, दाल चावल मैंने पहले ही बना लिए थे, अयान हारिश कोचिंग गए थे ना तभी मैंने जल्दी से दाल चावल बना लिए थे,
और बस यहाँ पे मेरी पुरन पोली बनने लगी है। आज ना असल में मुझसे बिल्कुल बन नहीं रहा था, लेकिन पापा की फरमाइश पे पुरन पोली बन रही है तो फिर मैं मना कर नहीं सकती थी, तो मैंने बोला ठीक है। असल में पापा को डोसा खाना था, तो डोसे में थोड़ा सा दाल वगैरह भिंगा के पहले से रखना पड़ता है, तो मैंने बोला पापा आज पुरन पोली बनाते हैं, क्योंकि पुरन पोली भी पापा को पसंद है, तो डोसा नेक्स्ट टाइम बना लेंगे या कल ही बना लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने फिर सोचा कि कल ही मैं डोसा बना दूँगी। अभी थोड़ा सा मौसम बारिश का ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा गर्म भी चल रहा है, तो बारिश के साथ साथ ना गर्मी भी लग रही है, और डोसे का ना बैटर थोड़ा सा खमीर उठने के लिए उसमें ना गर्मी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ, नहीं तो पता चला अचानक से ठंडा मौसम हो गया तो फिर खमीर नहीं उठ पाएगा। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम ना पुरन पोली सैटरडे को बनाएंगे, क्योंकि सैटरडे को अट्टू भान आने वाले होते हैं और उनको ना पुरन पोली बहुत पसंद है, तो हमने सोचा था हम सैटरडे को बनाएंगे, लेकिन फिर अभी बनाना पड़ा पापा की वजह से, तो फिर हमने बहुत थोड़ी सी बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, तो हम लोग अभी बना लेंगे, फिर हम सैटरडे को फिर से बना लेंगे इंशाल्लाह, तो अट्टू भान को भी खिला देंगे, क्योंकि पहले जब हमारे साथ रहते थे तो हमको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता था, क्योंकि हम जब भी कुछ बनाते थे तो वो हमारे साथ ही होते थे, लेकिन अभी हफ्ते में बस वो एक बार आते हैं, और कभी तो नॉर्मल दाल चावल ही बनते हैं और कभी कुछ अच्छा सा बन जाता है तो ठीक है, तो इस वजह से तो ना हमको बुरा लगता है कभी कभी कि अट्टू भान आते ना तब कुछ भी स्पेशल नहीं बना पाते। तो जी यहाँ पे ना मैं डोसे बनाने के लिए ना दाल चावल भिगाने लगी थी, यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए और थोड़े से 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी दाने लिए, तो चावल और मेथी दानों को मैं एक साथ भिगो दूँगी। और यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली है 1/2 कप और मूंग की दाल ली है मैंने 1 चम्मच और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, और दालों को एक साथ भिंगा दूंगी मैं, तो दोनों को ना अलग अलग भिंगाऊंगी, लेकिन दोनों को धो के अच्छी तरह भिंगाऊंगी। तो यहाँ पे ना मेरी उड़द की दाल ना छिलके वाली है, लेकिन मैं भिंगा दूंगी ना तो वो रात भर में छिलके उसके नरम हो जाएंगे, तो सुबह तक उसके छिलके भी निकल जाएंगे, तो उसका कोई मसला नहीं, वो तो सब निकल जाते हैं, आप बिना छिलके वाली भी ले सकते हो या छिलके वाली भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जी मैंने धो के और भिंगा के अच्छी तरह रख दिए हैं, और अब बस जी मेरी रात हो चुकी है और अब मैं करूँगी सोने की तैयारी, तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में। तो अभी मैं यहाँ पे खाना खाऊँगी पहले, उसके बाद मैं सोऊँगी, तो आप भी सो जाइए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।